हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया। सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दक्षराज सिंह राठौर। राठौड़। हाँ जी। और अपने स्टड फॉर्म का ना क्या नाम है? मारवाड़ सैडल्स। मारवाड़ सैडल्स। सडल्स। हाँ जी। तो अभी अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी? अभी करीबन 5 है। पांच हैं। हाँ जी। तो पांच घोड़ियां हैं या बच्चे भी हैं? चार चार घोड़ी है, एक अपने फिली है। हाँ फिली है। जी। तो कितना टाइम हो गया है घोड़े रखते हुए अपने को? यही कुछ 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। 2 साल अब हो जाएंगे इसी साल। बोले तो एक तरीके से फ्रेशर है, फ्रेशर है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ तो अभी अगर अपन इस घोड़े की बात करें तो इस घोड़े की क्या उम्र होगी अभी? हाँ इस घोड़ी की उम्र है करीबन 7.5 साल के करीबन है। 7.5 साल। हाँ जी ना बेटा। और हाइट की बात करें तो? हाइट ये 63 तो है। 63 है ना? हाँ। कभी नापा क्या? नापा तो नहीं, अंदाजा? अंदाजा नहीं। लोग कहते हैं, लोगों से पूछ लेते, हम तो नए हैं। अच्छा लोग अच्छा कोई कोई 63.5 बताएगा, कोई 63.5 बताएगा। इस बेसिस पर ही है। नापने की तो जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि बच्चियां इसकी जरूर नपी हुई है। अच्छा। रिजल्ट बहुत अच्छे निकालती है घोड़ी। तो अगर बात करें इसके बाप की तो बाप कौन है इसका? बाप है इसका मौर्य, मौर्या सांगरिया वाला जो घोड़ा था, तुकाराम पीयूष का बच्चा चौधरी जी था। वाला। कौन सी? हाँ जी हाँ जी, पीयूष चौधरी जी वाला। ओके। और अगर माँ की बात करें तो? इसकी माँ जो की है देवली और छिर ब्लड लाइन की घोड़ी है। देवली देवली और छिर। छिर। हाँ जी छिर। ओके। पुरानी ब्लड लाइन है। हाँ इसकी डैम जो है उसकी डैम की डैम छिर है और डैम का सायर देवली है। देवली है। देवली खून भी है, छिर खून भी है ओके। डैम साइड में। थोड़ा सीधा कर लो इसको इधर। हाँ जी। तो अब इसके रिजल्ट की बात करें तो इस घोड़ी के रिजल्ट कैसे रिजल्ट दिए हैं, और कोई अगर इसका फेमस रिजल्ट है तो उसके बारे में बताओ। घोड़ी ने आज तक 3 रिजल्ट दिए हैं। तीनों फिलीज हैं, तीनों के ब्लेज हैं घोड़ी के। नहीं आप देख सकते हैं। ओके। हाँ जी। तो दो जो बच्ची आई थी वो दिलशान से आई, और जो दिलशान से बच्ची आई हैं वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। पहली जो आप राजेश जी यादव को जानते होंगे, उनके पास बच्ची थी जोया, लेके गए थे वो। ओके। एक्सीडेंट हो गया था। जो ये कौन सा जो अजमेर में फार्म है, ऊटड़ा फार्म से है? नहीं, ऊंटड़ा फार्म से तो ये घोड़ी आई है। अच्छा, घोड़ी आई है। हाँ, इसकी बच्ची ऊंटड़ा से राजेश जी यादव लेके जा रहे लेके थे। गए थे। हाँ जी। फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। ओके। और उस बच्ची की तो क्या कहने हैं, बहुत ही तगड़ी बच्ची थी। टू टीथ में, मिल्क टीथ में 62 थी। ओके। हाँ जी। और दूसरा रिजल्ट? दूसरा रिजल्ट सुंदरी करके बच्ची है, लुधियाना चैंपियन बनी है इसी साल, जो शायद संदीप बरार जी के पास में है। संदीप बरार भाई साहब जो है गणेश गुजर जी से लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी गुजर से लिए है। और भी ब्लेज है, ईयर इससे बेटर है, लेंथ इसके बराबर है। और तीसरा रिजल्ट का पता है? तीसरा रिजल्ट सप्ताश की बच्ची है। अच्छा। जो अभी छोटी है, 15-20 महीने। वो किसके पास में है? वो ऊंटड़ा खड़ी है। ऊंटड़ा खड़ी हुई है। तो अगर बात करें आपकी उम्र की तो आपकी क्या उम्र होगी अभी? मेरी उम्र तो 15 साल से ऊपर है। 15 साल से? हाँ जी हाँ जी। यानी अभी तो 18 के भी नहीं हुए हैं। नहीं। तो कैसे शौक लग गया एकदम? शौक एकदम तो मतलब अभी पुष्कर मेला चल रहा था 2019 वाला। हाँ। पापा ने बोला चलो घोड़े लेकर आते हैं, एकदम सरप्राइजिंगली एकदम सही। अच्छा, घोड़े लेके आते हैं। हाँ तो पिताजी पहले से घोड़े रखते थे क्या? पहले रखते थे। अच्छा। तो पर जैसे राइडिंग पर्पस से थे वो। हाँ हाँ। अब ब्रीडिंग का तो अभी चालू कर रहे हैं, पहले राइडिंग पर्पस से थे घोड़े जो भी रखे। उन्होंने बोला चलो घोड़े ले आते हैं। तो एक घोड़ी है माया, अभी भी मेरे पास है, वो लाए फिर सबसे पहले। ओके। तब शौक लगा, तब से चालू कर दिया। हाँ, तब से मेरे को तो पापा ने फोर्स करा था, बोले ले आते हैं। मैं तब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा। पर अब जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज। अब आता है इंटरेस्ट? आता है क्या? अब तो बहुत ज़्यादा आता है, अब तो छोड़ ही नहीं सकते इनको, और का इंटरेस्ट नहीं आता है। कभी कभार ज़्यादा परेशान करते जब लगता है क्या मतलब कर दे इनका? नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, परेशान तो नहीं करते, तीनों मेरे साथ नॉर्मल है अब। तो अभी कितना टाइम देते हो घोड़ा घोड़ियों के लिए? अभी तो पूरा ही टाइम इनके इनके ही दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है ना। लॉकडाउन कर दिया, और पहले एग्जाम थे मेरे, बोर्ड्स पास आ रहे थे। अच्छा, कौन सी क्लास में हो अभी? अभी मैं 10th में हूँ। 10th में हो? 10th के तो खैर कैंसिल हो गए बोर्ड, तो अब 11th में आ गया। अच्छा, पास हो गए बिना? पास हो गए। चलो, जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी उनके भी मजे हो गए। वही मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, इनके अंदर टाइम लगा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपको ऑफर मिल गया ना। हाँ हाँ। तो अभी ये घोड़ी प्रेग्नेंट है क्या किसी से? अभी प्रेग्नेंट है। किस घोड़े से? ये देवराज करके घोड़ा है, जोजावर वाला। हाँ हाँ। जो कि भीलमाल वाला एक घोड़ा हुआ करता था। हाँ हाँ। उसका बच्चा है। अच्छा, उससे अभी प्रेग्नेंट है? उससे प्रेग्नेंट है ये, और 2.5 महीने की है अभी तो, ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ।
तो अभी क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का घोड़ा घोड़ियों का, और क्या खाने में देते हो इनको? सुबह इनको 6:30 बजे तो हम स्टेबल से बाहर निकाल देते हैं। हाँ हाँ। और बाहर बांध देते हैं शेड में। फिर उसके बाद सुबह इनको दाना दिया जाता है 9 बजे, दलिया, जो कि हम तो जौ का दलिया देते हैं अभी। हाँ हाँ। करीबन 1.5 किलो के लगभग। बिल्कुल। और उसके बाद जो 12 बजे इनके मूंगफली का चारा, सूखा चारा, देन पानी जो है वो तो रेगुलरली इंटरवल्स में पिलाते हैं, बिकॉज वो कॉलिक का कुछ रहता है लफड़ा। ओके। हाँ जी हाँ जी। तो कॉलिक क्या कई बार पता चल जाता है अगर आप इंटरवल में पानी पिलाते हैं ना। अच्छा। कॉलिक पकड़ में आ जाता है। और बहुत सी बार नहीं पता चलता होगा? नहीं, अगर आप पानी ने आपने पानी खेड़ी में रख रखा है, दिन भर भरा हुआ है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि घोड़े ने पानी पिया या नहीं पिया। ओके। घोड़े को डिहाइड्रेशन हो जाए, आप खुद पिलाओगे तो पता रहता है घोड़ा नॉर्मली पी रहा है या अनयूजुअल हो गया, कि रोज जो करता है वो नहीं कर रहा आज। ओके। फिर शाम को वापस इनके दलिया जो दाना होता है वो दिया जाता है, जौ का दलिया। ओके। और शाम को रात के लिए पानड़ी और रिचका जो होता है। आप ही अभी आप ही देते हो सब? नहीं, अभी एक है जो मेरी गाय का ध्यान रखते हैं। अच्छा। तो वही इसका भी रखते हैं, मैं बीच बीच में जकड़ लगा देता हूँ। ओके। तो अपना घर कितनी दूर है इस पुष्कर रिसोर्ट से, पुष्कर फोर्ट से? अच्छा, यहीं पे ही रेजिडेंस? यहीं पे बना रखा है, एक अजमेर में। अच्छा अच्छा। तो दादू साहब दादी साहब अजमेर रहते हैं अभी। ओके। तो क्या नाम रख रखा है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है काजल, एके मुंडंस। काजल? हाँ हाँ। बिल्कुल कतई लड़कियों वाला है। पहले से नाम दिया हुआ था काजल है। काजल काली है तो काजल रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कलर थोड़ा सा डल हो रखा है। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे और अभी थोड़ा सा गर्मी है ना, तो क्या थोड़ा सा डाउन कमजोर हो जाते हैं घोड़ा घोड़ी और कंडीशन में भी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम।